नमस्कार। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने वैसे तो इस लोकसभा चुनाव में फैसला लिया है कि वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी, लेकिन हमारे कुछ साथी जिनकी संख्या आज की तारीख में 104 है, वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से, जिसमें संभल, बदायूं, लखनऊ, मोहनलालगंज, सीतापुर, मिश्रिख, बाराबंकी, कानपुर शामिल हैं, करीब 104 लोग। संभल बदायूं का तो चुनाव हो गया है और आने वाले दिनों में बाकी क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, वो मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे और कहेंगे कि उनका ईवीएम पे भरोसा नहीं है और वो कहेंगे कि आप हमें मतपत्र दीजिए। और इन 104 लोगों ने चुनाव आयोग को पहले ही सूचित कर दिया कि फला तारीख को हमारा मतदान है, फला हमारा मतदान केंद्र है, आप हमारे मतदान केंद्र पे मतपत्र उपलब्ध करा दीजिए, जो आप 85 साल से ऊपर वालों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए छपवाते हैं जो पोस्टल बैलेट से अपना मतदान करते हैं, आप हमें भी वो मतपत्र दे दीजिए और हम मतपत्र से अपना मतदान करेंगे, अन्यथा मशीन से हम मतदान नहीं करेंगे, हमारा भरोसा नहीं है उस पर और हम बिना मतदान किए मतदान केंद्र के बाहर आ जाएंगे। ये सत्याग्रह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से लिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, जो आज की तारीख में ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें हमें मतपत्र से मतदान करना चाहिए, ये विकल्प जनता के लिए वो खोले और कम से कम उन लोगों के लिए जिनका मशीन पे भरोसा नहीं है, उनको मौका दे कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान मतपत्र के माध्यम से कर सके। धन्यवाद।